हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। अभी तक हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की। मॉर्फोलॉजी में कई सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे। आज से हम फैमिली शुरू करने जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज अभी अभी जो सिलेबस आया है चेंज होके, उसमें कुछ नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, तो वो सभी फैमिलीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले फैमिलीज को पढ़ने के लिए उसके जो सिंबल्स होते हैं उसको पहले जान लेते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला में जो यूज होने वाले हैं। कि जिसके पास ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्ट क्या होता है, कोई फ्लावर है, जैसे कि कोई फ्लावर है, ये एक स्टेम हो गया मेन एक्सिस। अब मेन एक्सिस इसको मदर एक्सिस ही बोल सकते हैं। यहाँ पे पेडिसल हो गया, अब पेडिसल पे ये फ्लावर है। एग्जाम्पल के लिए फ्लावर है, तो यहाँ पे अगर एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ये ब्रैक्ट कहलाती है। अगर ये है तो इसको हम ब्रैक्ट बोल देते हैं। अब इसका क्या सिंबल होगा उसको हम देखते हैं। कि अगर ब्रैक्ट है तो हम उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे, पहला पॉइंट। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट बोलेंगे और उसको BR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला में मेंशन करने के लिए, अगर ब्रैक्ट है तो उसको ब्रैक्टेड और BR से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, इसको हम EBR से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर EBR की जगह कुछ भी नहीं लाएंगे तो भी चलता है, मतलब कि अगर है तो BR लगा दो और अगर नहीं है तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, तो भी ये EBR ही माना जाएगा। और अगर अलग से लगाया है तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटेंगे फ्लावर बराबर ही कटेगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। तो उसको हम प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस प्रकार से उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल देते हैं। दूसरा और क्या है इसमें, जाइगोमॉर्फिक। जाइगो मॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक क्या होगा, जिसमें हम एक ही प्लेन से बस काट सकते हैं बराबर भागों में, बाकी प्लेन से बराबर भागों में इसको हम नहीं काट सकते हैं। ये होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो परसेंटेज वाले सिंबल से कर सकते हैं, या फिर सर्कल बना के इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो भी, या फिर कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे एक था इसको बराबर दो भागों में बांट दे, कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और डिवाइड वाले सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन से हम जायगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसको हम कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल है और मेल है, यूनिसेक्सुअल और मेल है तो उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको स्टेमिनेट भी बोल सकते हैं। इसके पास स्टेमिन प्रेजेंट होता है, स्टेमिनेट, इसको लिख देते हैं यहाँ पे स्टेमिनेट। और अगर यूनिसेक्सुअल है और फीमेल है, फीमेल फ्लावर है, तो इसको हम बोल देंगे पिस्टिलेट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है
कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया पिस्टिलेट। अब पिस्टिलेट भी आ गया जिसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ईपी कैलेक्स को ईपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैलेक्स के भी ऊपर अगर स्ट्रक्चर हो तो उसको हम ईपी कैलेक्स बोल देते हैं। ईपी कैलेक्स जो होता है उसको हम ईपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ईपीआई के, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही ईपी कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कैलेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कैलेक्स के पास नंबर ऑफ कैलेक्स मान लो एन थे, 4 5 इस तरह से नंबर ऑफ कैलेक्स मान लेते हम एन थे, और वो सारे सेपरेट हैं, फ्यूज्ड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसरप्लस कंडीशन। और अगर K के साथ N के पास ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फ्यूज्ड कंडीशन में है, तो इसको हम गैमोसरप्लस कंडीशन बोलेंगे। गैमोसरप्लस कंडीशन। सेम कोरोला के लिए भी कोरोला के लिए कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैलेक्स को के से करते थे, इस तरह से कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोरोला जिसमें पेटल्स होते हैं, अगर वो पेटल्स नॉर्मल कंडीशन में, तो हम सी एन लिख देंगे डायरेक्ट, तो ये भी फ्यूज्ड नहीं है, तो पॉली पेटल्स कंडीशन हो जाएगी, पॉलीपेटलस कंडीशन हो जाएगी। और अगर ये फ्यूज्ड है तो इसको सी एन लिखेंगे, और इसका मतलब होगा ये फ्यूज्ड है ना, तो गेमो पेटलस कंडीशन। तो पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है और गेमो पेटलस कंडीशन क्या है, वो हमने यहाँ पे सीख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें ऐसी कंडीशन जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते, ऐसी कंडीशन जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं, और उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फिर से वही पेरियंथ फ्यूज्ड नहीं है तो उसको हम पॉलीफाइलस कंडीशन बोलते हैं, पॉली फाइलस या पॉली टेपलस कंडीशन, क्योंकि पेरियंथ की जो यूनिट होती है वो टेपल होती है, जैसे कोरोला की पेटल थी ना, कोरोला की पेटल थी तो उसको पॉली पेटलस और गैमो पेटलस बोला, कैलिक्स की सेपल थी तो उसको पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस कंडीशन बोला, इसको पॉलीफाइलस पॉलीफाइलस या पॉलीटेलपस कंडीशन बोलेंगे, पॉली टेलपस कंडीशन। और अगर ये फ्यूज्ड होते
तो उसको पी और एन के पास ब्रैकेट लगे होते तो उसको हम गैमो फाइलस और गैमो टेपलस, गैमो टेपलस कंडीशन बोलते हैं। अगर अब एंड्रोशियम और गायनोशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर ये एंड्रोशियम में सारे स्टेमिन अलग अलग हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और सारे स्टेमिन अगर सेपरेट हैं तो ए एन हम लिख देंगे, जो कि पॉली एंड्रस कंडीशन कहलाती है। और अगर फ्यूज्ड है तो ए और एन के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये फ्यूज्ड कंडीशन कहलाएगी, तो ये कहलाएगा कोहेशन कंडीशन। कोहेशन कंडीशन कहलाती है, मतलब साथ में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर फीमेल के केस में हो जाए, गाइनोशियम, गाइनोशियम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से वही, अगर ये फ्री हैं कई सारे हैं, पहले तो अगर एक ही है कार्पेल तो मोनोकार्पेल ही हो गया, और अगर पॉलीकार्पेलरी कंडीशन या मल्टीकार्पेलरी कंडीशन है, तो मल्टीकार्पेलरी कंडीशन में अगर ये सेपरेट हैं, एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है, एपो कार्पस कंडीशन कहलाएगी। और अगर ये फ्यूज्ड है तो ये सिनकार्पस कंडीशन कहलाती है, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। ये हो गया। नेक्स्ट है सुपीरियर ओवरी, कैसे, अगर गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी है तब क्या होगा और इंफीरियर ओवरी है तब क्या होगा। सुपीरियर ओवरी के लिए, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपो गाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर है तो ये जी के नीचे बाहर आ जाएगा, तो ये सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा हो जाए, इन्फीरियर ओवरी हो तो इन्फीरियर ओवरी तो एपिगाइनेसिस को बोल देते हैं, एपिगाइनस फ्लावर, तो जी के ऊपर बार आ जाएगा, मतलब इन्फीरियर ओवरी। ओवरी क्या है, जो उसके एक्सेसरीज वर्ल हैं उसके पोजीशन के नीचे है, इसीलिए इसको इन्फीरियर ओवरी या एपिगाइनस कंडीशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है इसमें हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी। हाफ इन्फीरियर बोल दो या हाफ सुपीरियर बोल दो, ये कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, जैसे ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा है, अगर ग्लास में
पानी भरा है, और इतना पानी भरा है तो हम बोल सकते हैं कि आधा ग्लास खाली है और आधा, या फिर बोल सकते हैं आधा ग्लास भरा है। तो दोनों ही कंडीशन में वही है कि ऐसा ही बोल सकते हैं ओवरी हाफ इंफीरियर है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं ओवरी हाफ सुपीरियर है। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है? पेरिगाइनस कंडीशन कहलाती है, पेरिगाइनस कंडीशन या पेरिगाइनस फ्लावर। और पेरिगाइनस फ्लावर जो है इसको जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और या फिर जी के आगे बार लगा देते हैं तो भी पेरिगाइनस कंडीशन कहलाता है। तो दोनों, अभी जी के आगे बार लगाया तो ये पेरिगाइनस कंडीशन कहलाएगा। अब ये तो हमने सीखा कि इसके पास सिंबल्स क्या क्या होते हैं, अब सिंबल्स का किस तरह से कनेक्शन होता है वो अब एक बार और देख लेते हैं, फिर उसके बाद फैमिली शुरू करते हैं। जैसे इसको हम एडहेशन बोल देते हैं कंबाइनली, कि अटैचमेंट कैसे होता है, तो एडहेशन इसको बोल देते हैं। तो एडहेशन में तीन कंडीशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहली एपिफाइलस कंडीशन, एपिफाइलस कंडीशन में क्या होगा कि जो एंड्रोशियम थे ना वो पेरियंथ से अटैच्ड है। पेरियंथ क्या था? जिसमें सेपल डबल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, जैसा लिली में होता है। तो एंड्रोशियम पेरियंथ से अटैच है, तो पी पेरियंथ, ए एंड्रोशियम, ये दोनों कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे। तो ये कंडीशन कहलाती है एपिफाइलस कंडीशन, कि एंड्रोशियम जो है, जो स्टेमिन है वो पेरियंथ से अटैच है, वो टेपल्स से अटैच है। दूसरी कंडीशन एपिपेटलस, पेरियंथ से मतलब टेपल से अटैच है। अगर एपिपेटलस बोला, एपिपेटलस कंडीशन मतलब पेटल्स से अटैच है। तो है पेटल्स के लिए कोरोला से, सी से रिप्रेजेंट करते थे, और ए मतलब एंड्रोशियम स्टेमिन की बात कर रहा है। तो अगर ये इससे अटैच है तो इसको हम बोलते थे एपिपेटलस कंडीशन। और थर्ड गाइनेंड्रस कंडीशन। अब ये कौन सी है गाइनेंड्रस कंडीशन? तो इसमें क्या होगा कि एंड्रोशियम जो है वो गाइनोशियम से अटैच होगा, एंड्रोशियम गाइनोशियम से अटैच होगा। जैसे एक बार एंड्रोशियम जो है वो पेरियंथ से अटैच था, दूसरी बार में एंड्रोशियम पेटल से अटैच हो गया, फिर एंड्रोशियम गाइनोशियम से अटैच हो गया। तो ये जो कंडीशंस हैं ये एपिफाइलस, एपिपेटलस और गाइनेंड्रस कंडीशन कहलाती है। इन सबको हम कंबाइंडली एडहेशन बोल देते हैं। तो ये हमने क्या क्या पढ़ा? ये हमने जो सिंबल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो सब पढ़ा। अब हम सबसे पहले अपनी फैमिली शुरू करते हैं। कौन सी? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी। तो ये जो फैमिली है, फैमिली ब्रैसिकेसी, इसको हम फैमिली क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्रूसीफेरी फैमिली भी कहलाती है। इसको बेसिकली मस्टर्ड फैमिली बोला जाता है, इसको मस्टर्ड फैमिली बोला जाता है। अब ये क्रूसीफेरी फैमिली जो है, जिसको हम ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। इसका फॉर्मूला है, अभी इसका फॉर्मूला, सबसे पहले तो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो ये जो सिंबल्स थे ये सिंबल्स हमें याद रख लेने, क्योंकि ये सिंबल्स पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उसको हम एक साइड में कर देते हैं। इन सिंबल्स के बेसिस पे ही फ्लोरल फॉर्मूला बनता है, तो इसको हम एक साइड में कर देते हैं। जिससे कि हम इसके करेक्टर्स पढ़ सकें। अब हम इसके करेक्टर्स देखते हैं। तो इसके करेक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स। डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या क्या है? इस प्लांट में पंजेंट ऑर्डर आता है। पंजेंट ऑर्डर मतलब एकदम
अजीब सी गंध आती है, तो हम लिखेंगे पंजेंट ऑर्डर, अजीब सी गंध इन प्लांट पार्ट्स। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके पास सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसिडिक कंपाउंड्स होते हैं। बिकॉज हैव सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स, सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स होते हैं। अब एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो है मायरोसिन एंजाइम है। अभी मायरोसिन नाम का जो एंजाइम है, पहले तो ये सेक्रेटरी सेल से रिलीज होता है या सेक्रेटरी सेल में प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे प्रेजेंट इन सेक्रेटरी सेल्स। अभी मायरोसिन एंजाइम क्या करेगा? तो मायरोसिन एंजाइम जो है हाइड्रोलाइज करता है, सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स को हाइड्रोलाइज करेगा। क्या करेगा ये? सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स को हाइड्रोलाइज करेगा किसमें? ग्लूकोज और डिफरेंट आइसो थायो साइनेट्स। तो किस किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज और डिफरेंट डिफरेंट आइसो थायो साइनेट्स में कन्वर्ट कर देगा। कौन? मायरोसिन एंजाइम। तो मायरोसिन एंजाइम का काम पता चला। अब और क्या है इसमें? ये जो फ्लावर दिख रहे हैं, इसका एक टिपिकल फीचर बताते हैं। कौन सा? ये रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज है, एक्रोपेटल है। एक्रोपेटल का मतलब क्या था? कि जिसमें मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है जिसको मदर एक्सिस भी बोलते हैं, वो मदर एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती। वो मदर एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है, और फ्लावर जो नए नए फ्लावर्स आते हैं वो रेडी वो लेटरल साइड में आते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें भी लेटरल साइड में आ रहे हैं, और इसमें जो पुराने फ्लावर होते हैं वो बड़े होते हैं और बेस की तरफ होते हैं। ये बेस की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं पुराने फ्लावर हैं और बड़े फ्लावर हैं, जबकि जो एपेक्स की तरफ है वो छोटे फ्लावर हैं, और ये सब टॉप की तरफ है। जो छोटे फ्लावर हैं वो टॉप की तरफ है और पुराने फ्लावर बेस की तरफ है। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। इधर बड़े फ्लावर, फिर इधर और छोटे, फिर थोड़ा और छोटे, फिर और छोटे, तो मतलब टर्मिनल की तरफ बहुत छोटे। तो मेन एक्सिस इसमें कन्वर्ट नहीं होती फ्लावर में, जिस वजह से कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। तो ये रेसिमोज टाइप का कहलाता है। रेसिमोज मतलब एक्रोपेटल। तो यहाँ पे रेसिमोज कहलाएगा। अब इसमें इसका टिपिकल इन्फ्लोरेसेंस था। अब इसको कुछ एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन जैसे कोरियम टाइप का मिलता है। हमने पढ़ा रेसिमोज टाइप का, ये रेसिमोज फ्लावर था। अब हम कोरियम टाइप का पढ़ेंगे। कोरियम टाइप का किसमें मिलेगा? तो एबेरिस अमारा जो है, ये बेसिकली कैंडी टफ्ट है, चांदनी का फूल है। ये चांदनी जो होता है, ये चांदनी है। अब ये जो चांदनी है, ये कोरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो करती है। ये एक्सेप्शन है इसका। कोरियम क्या होता है? जिसमें जो फ्लावर होते हैं ना, सबका लेवल लगभग बराबर होता है, जिस वजह से जो टॉप पे होता है उसकी जो पेडिसल है उसकी लेंथ
बहुत कम होती है, और जो टर्मिनल जो सबसे लास्ट पहले पुराना वाला होता है, ओल्ड फ्लावर होता है, उसकी जो लेंथ है पेडिसल की, वो सबसे ज्यादा होती है। तो लास्ट वाले की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से जो सबसे टॉप पे होगा उसकी लेंथ पेडिसल की बहुत कम होती है। जैसा कि हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, कुछ यहाँ से हैं तो इसकी बस इतनी सी है, लेकिन जो पुराने वाले हैं उसकी इतनी बड़ी पेडिसल देखने को मिलती है, और उससे भी पुराना तो इतनी बड़ी पेडिसल इसमें देखने को मिलती है। तो जितना पुराना होगा उतनी बड़ी पेडिसल इसमें देखने को मिलेगी। तो ये एबेरिस अमारा कैंडीटफ्ट, मतलब कि चांदनी का पौधा है ये, और इस चांदनी के पौधे में तो सिर्फ कोरिया में मिलता है, लेकिन कलीफ्लावर उसमें कंपाउंड कोरियम देखने को मिलता है। अभी कोरियम हमने देखा जिसमें कि सभी फ्लावर्स का लेवल लगभग बराबर है, और ये जो लास्ट में उसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है पेडिसल की, उससे कम, उससे कम। तो पेडिसल का साइज उसका बड़ा होता है जो सबसे लास्ट में होता है, मतलब सबसे पुराना फ्लावर होता है। कंपाउंड कोरियम क्या होता है, कंपाउंड कोरियम में एक रेकिस होगी, इस रेकिस से इधर एक ब्रांच जैसी बनेगी, फिर इसमें कोरियम देखने को मिलेगा। तो एक मेन ब्रांच, फिर उस एक मेन एक्सिस, उस मेन एक्सिस से फिर ब्रांच, उस ब्रांच में कोरियम, मेन एक्सिस पे ब्रांच, उस ब्रांच में कोरियम, इस तरह से जो देखने को मिलता है वो कंपाउंड कोरियम कहलाता है। और कंपाउंड कोरियम किस में मिलेगा, फूल गोभी, फूल गोभी में कंपाउंड कोरियम देखने को मिलता है। कैसे, ये जो है इसमें ये मेन एक्सिस हो गई, अब इस मेन एक्सिस से ये ब्रांच, इस ब्रांच में भी ये पूरा कंपाउंड कोरियम देखने को मिल रहा है। मेन एक्सिस पे ब्रांच, और ब्रांच में फिर से कंपाउंड कोरियम, फिर से कोरियम, ब्रांच, ब्रांच पे कोरियम, ब्रांच पे कोरियम, तो सभी ब्रांचेस पे कोरियम देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कंपाउंड कोरियम। तो किस में मिलेगा, गोभी में, कलीफ्लावर में मिलेगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं, दो एक्सेप्शन इसमें, एक एबेरिस अमारा मतलब कि चांदनी कैंडीटफ्ट होता है, इसमें कोरियम मिलता है, जबकि कलीफ्लावर में कंपाउंड कोरियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला की। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या कहता है इसका, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। अब इसमें हमने जैसे कि अभी सिंबल पढ़े थे, तो सबसे पहले तो ये ई बी आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास ब्रैक्ट नहीं है। ब्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर के बेस पे कोई भी छोटी पत्ती नहीं है, तो ये ई ब्रैक्टिएट होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फ्लावर आने वाला है, बड है, तो यहाँ पे कोई भी छोटी लीफ दिख नहीं रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ई बी आर, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे, ये ई बी आर कंडीशन। तो ये कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है, ये ई ब्रैक्टिएट हो गया। अब साथ में ये प्लस वाला सिंबल है, मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब इसको हम कहीं से भी काट सकते हैं तो बराबर कटेगा, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। जैसे कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है ना, इस फ्लावर को मैं ऐसे भी बराबर भागों में बांट सकता हूँ, ऐसे भी बराबर भागों में बांट सकता हूँ, ये और ये, मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक है, तो इसको कहीं से भी काटेंगे तो ये बराबर ही बटेगा, इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। अगर नहीं बढ़ता तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक बोल देते हैं। दूसरा, ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। बाइसेक्सुअल मतलब इसके पास फीमेल पार्ट भी है और इसके पास मेल पार्ट भी है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो ये फीमेल पार्ट हो गया, इसके पास एंथर फिलामेंट भी है, तो ये मेल पार्ट हो गया, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये। अगर हम इसकी बात करें, इसमें कौन कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले तो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एंथर को रिप्रेजेंट करती है, ये एंथर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पेटल्स मतलब कोरोला को रिप्रेजेंट करती है। ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये सेपल्स मतलब कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मदर एक्सेस बता रहे हैं, और ये ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओवरी को रिप्रेजेंट करेगा। अब और क्या है इसमें, ये है कैलिक्स,
अब इसके कैलिक्स में 2+2 कंडीशन है, मतलब अब 2+2 कंडीशन क्यों है इसके कैलिक्स में, कि इसके पास चार सेपल होते हैं, तो सेपल जो है इसके पास कितने हैं, चार हैं, जिसमें से दो आउटर साइड में होते हैं और दो इनर साइड में होते हैं। चार में से दो आउटर होते हैं, दो इनर होते हैं, टोटल होते हैं चार। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला में देखें तो दो हमें बाहर की तरफ दिख रहे हैं, दो हमें बाहर की तरफ दिख रहे हैं, जबकि दो हमें अंदर की तरफ दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको 2+2 वाली कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको 2+2 वाली कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इसमें है C4, मतलब कि जो कोरोला है, जो पेटल्स हैं वो चार हैं। पेटल्स चार कहाँ है, ये पेटल्स हैं, चार हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, चार पेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हमें एस्टिवेशन याद रखना है। एस्टिवेशन क्या, कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और ये कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है, मतलब कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और ये कहलाएगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कैसा कहलाएगा, इम्ब्रिकेट। तो सेपल्स का जो एस्टिवेशन इसमें दिखेगा, सेपल्स का एस्टिवेशन दिखता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखेगा, जबकि पेटल में एक परफेक्ट एस्टिवेशन दिख रहा है, जो कि वेलवेट है। परफेक्ट एस्टिवेशन कौन सा, ये वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो कोरोला में, क्योंकि ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं और दूर दूर है, मतलब कि ये बस मार्जिन टू मार्जिन है, और ये क्या कहलाएगा, वेलवेट एस्टिवेशन कहलाएगा। तो पेटल्स का है इसके, ये पेटल्स जो है ये वेलवेट एस्टिवेशन शो करते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। तो सेपल्स का एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और पेटल्स का वेलवेट एस्टिवेशन। अब वापस कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं, चार हैं। चारों कैलिक्स, एक हीरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। तो चार कैलिक्स मतलब पेटल्स, पेटल्स चार हैं, कैलिक्स तो ग्रुप होता है, पेटल्स चार हैं, तो 1, 2, 3, 4, चारों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्लियर एकदम। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो होता है हाइपोगाइनस फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, टेट्रामेरस, चार पत्तियां हैं। कैसा है, चार पत्तियां हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा मेरस कंडीशन। तो टेट्रा मेरस कंडीशन है क्योंकि इसमें चार पत्तियां दिखाई दे रही हैं कलरफुल वाली, जिसको हम पेटल बोल देते हैं। अब एक्टिनोमॉर्फिक है साथ में, और जो ध्यान रखना, जो एक्सेप्शन देखा था हमने एबेरिस अमारा का, वो एबेरिस अमारा जो है वो जाइगोमॉर्फिक हुआ करता है। ये एबेरिस अमारा जो है ये जाइगोमॉर्फिक हुआ करता है, ये एक्सेप्शन है, कैंडिटफ्ट जिसको बोल देते हैं। हमने कैलिक्स देख लिया, हमने कोरोला देख लिया, वेलवेट एस्टिवेशन देख लिया। अब एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम जो है एंथर का ग्रुप होता, स्टेमेन का ग्रुप होता है। इस एंड्रोशियम के केस में हम देख पा रहे हैं छह स्टेमेन होते हैं, छह स्टेमेन होते हैं। कहाँ लिखा है ये लिखा है इधर, एंड्रोशियम 2+4। अभी 2+4 क्यों लिखा है वो समझते हैं। तो दो का एक ग्रुप होगा और चार का एक ग्रुप होगा, इसलिए 2+4 लिखा है। तो देख लेते हैं एक बार, एक स्टेमन दूसरा इसके साथ में है, तीसरा स्टेमन चौथा इसके साथ में है, ये पांचवा स्टेमन और ये छठा स्टेमन। तो यहां पर हम सिंपल सा देख पा रहे हैं, ये चार सेम है जबकि ये दो सेम है। तो हमें ये याद रखना है कि जो छोटे वाले हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, ये छोटे वाले जो हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, और जो बड़े वाले दिख रहे हैं ये इनर साइड में होते हैं। तो आउटर टू आउटर है और टू है, जबकि ये चार, 1, 2, 3, 4, मतलब ये चारों जो हैं ये इनर हैं,
दो का सेट बन गया, दो बाहर वाले और चार अंदर वाले, तो इसलिए ये क्या है, 4+2 का अरेंजमेंट इसमें शो होता है। अब कार्पल की बात करें तो इसमें दो होती हैं, और हाइपोगाइनस मतलब इन्फीरियर ओवरी हाइपोगाइनस है, तो यहाँ पे ये हाइपोगाइनस कंडीशन दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने हम पढ़ा था अभी कि हाइपोगाइनस क्या था, सुपीरियर ओवरी थी, हाइपोगाइनस क्या था, सुपीरियर ओवरी थी। तो यहाँ पे भी अब ये जो दो के नीचे बार लगाया है इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि दो गाइनोसियम दो कार्पेल हैं इसलिए यहाँ पे दो लिखा हुआ है। एक पहले स्टार्टिंग में ये एक ही चैम्बर रहता है, लेकिन बाद में इसमें फॉल्स सेप्टा बन जाता है जिस वजह से ये सेपरेट हो जाता है। और फॉल्स सेप्टा को हम देखें तो ये ओवरी थी, इस ओवरी में ये कार्पेल एक और ये कार्पेल दूसरी। अब ये जो सेप्टा दिख रहा है ये फॉल्स सेप्टा है, ये जो सेप्टा दिख रहा है इसमें ये फॉल्स सेप्टा है। तो ये फॉल्स सेप्टा हो गया, जो एक पतली सी दीवार जैसी दिख रही है ये फॉल्स सेप्टा है, इधर एक ओवरी इधर दूसरी ओवरी। तो ये दोनों ओवरी कैसी हैं, सुपीरियर हैं, इसलिए G2 लिख के उसके नीचे बार लगा दिया है। तो यहाँ पे ये हमने समझा। अभी गाय हाइपोगाइनस कंडीशन हमने देख ली, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, और टेट्रामेरस इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे चार पत्तियां हैं, 1 2 3 4, चार पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो टेट्रामेरस कंडीशन ये कहलाती है। तो अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला अगर समझने की कोशिश करें तो EBR जाइगो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स कितने 2+2 के केस में है, और जो कोरोला है वो 4 दे रखे हैं। क्यों, अच्छा इसमें प्लस करके इसने नहीं लिखा है, क्योंकि ये सारे ही सेम है, ये सारे सेम और सारे अलग अलग है, मतलब सारे एकदम सेम है और सेपरेटेड है, तो इसीलिए हमने C4 लिख के छोड़ दिया। जबकि अगर हम कैलिक्स के केस में देखें तो दो एक पैटर्न शो करते हैं, जबकि दो एक अलग पैटर्न शो करता है, मतलब दो बाहर की तरफ है और दो अंदर की तरफ है, तो इनकी लोकेशन डिफरेंट हो गई। अब A2 और 4, A2 और 4 2 और 4 के केस में क्यों, चार का अलग ग्रुप था जो कि इनर साइड थे और जो बड़े थे, और जो दो थे और बाहर थे वो छोटे थे, तो दो का अलग ग्रुप हो गया, कार्पेल दो हैं इसीलिए, और वो सुपीरियर ओवरी भी शो करते हैं, तो इसके नीचे बार लगा दिया। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या है। हाँ, ये जो सेप्टा था, ये जो फॉल्स सेप्टा था, इस सेप्टा का नाम भी होता है, वो याद रख लेना है। ये जो फॉल्स सेप्टा है इसका नाम होता है रेपलम, इसको रेपलम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रेपलम हो गया, तो ये फॉल्स सेप्टा है। अब इसके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, इस सीड के पास, ये याद रख लेना हमें, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हुआ करता है। ये फॉर्मूला हमने देख ही लिया, ये स्ट्रक्चर हमने देख ही ली, तो एंडोस्पर्म इसके पास नहीं होगा, और जनरली ये वैसे भी डाइकोट है तो डाइकोट के पास एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, हमने देखा हुआ है। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेसिस से बात करें तो एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं कौन कौन इसमें एग्जाम्पल्स होंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें रेडिस, मूली। अभी जो रेडिस है, रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस ये रेडिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रेडिस का साइंटिफिक नेम है, रेडिस मतलब मूली। ये जो दिख रहा है हमें ये शलजम है, शलगम जिसको बोल देते हैं, शलजम टर्निप, इसका है ब्रैसिका रेपा। ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका रेपा मतलब टर्निप।
शलजम है। और ये अगर रूट का टाइप पढ़ें तो जैसा कि हमने रूट का टाइप भी पढ़ा था तो इसको हम बोल देते थे नेपी फॉर्म रूट, ये राउंडेड और इधर से ये थ्रेड लाइक। दूसरे में देखते हैं तो ये राउंडेड दिखाई दे रहा है और ये थ्रेड लाइक दिखाई दे रहा है, एलोंगेटेड थ्रेड लाइक। तो ये हो गया नेपी फॉर्म। तो ये और ये कौन सा था, मूली में फ्यूजी फॉर्म था। ये दोनों एंड इसके टेपरिंग होते हैं, यहाँ से फिर स्वेलन है थोड़ा सा, फिर दूसरा एंड भी टेपरिंग है, तो ये फ्यूजी फॉर्म था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कलीफ्लावर। फूल गोभी जिसमें कंपाउंड कोरियम पैटर्न देखने को मिला था। कलीफ्लावर जिसको हम बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटस, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटस। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटस जो है ये कलीफ्लावर होता है। इसका जो इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस है ना, बस वही खाते हैं, मैच्योर होने के बाद नहीं खाएंगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस है, इसी को हम खाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन्फ्लोरेसेंस इमेच्योर इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल, ठीक। कलीफ्लावर हो गया। अब ये क्या है, ये पत्ता गोभी हो गई। अभी पत्ता गोभी जो है कैबेज पत्ता गोभी भी इसी में आती है। अब पत्ता गोभी का क्या नाम है, ब्रैसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा। ब्रैसिका ओलेरेसिया इसको इधर करते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा जो है ये कैबेज है, ये एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है नोल खोल। अब नोल खोल क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये नोल खोल है। इसका नाम इसको गांठ गोभी बोलते हैं, नोन खोल गांठ गोभी। तो ये गांठ गोभी कहलाता है। अब इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम, इसका साइंटिफिक नाम इधर लिखते हैं, ब्रैसिका ओलेरेसिया कोलोरेपा। नॉन खोल का नाम ब्रैसिका ओलेरेसिया कोलोरेपा होता है, तो ये हमें याद रखना है। तो नॉन खोल भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये मस्टर्ड सरसों। तो ये तो अलग ही दिखाई दे रही है, एकदम खेत सुंदर सा। तो ये है सरसों मस्टर्ड जिसका नाम होता है ब्रैसिका नाय ब्रैसिका कंपेस्ट्रस। ये कौन है, ये मस्टर्ड सरसों जिसका नाम क्या है, ब्रैसिका कंपेस्ट्रस।
येलो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस इसका नाम है। और अगर काली सरसों की बात करते तो ब्रेसिका नेपस हो जाता। ये येलो सर पीली सरसों है तो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, और अगर काली सरसों बोलते तो ब्रेसिका नेपस, ये ब्लैक हो जाती है, ब्लैक मस्टर्ड। अब और क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल में आ गया, कैंडी टफ्ट। इसमें ध्यान रखना, इसमें राई भी आती है। अब इसी फैमिली में राई, राई जो होती है जो सब्जी में डालते, तो वो राई भी इसमें आ जाती है। और राई का जो नाम है वो ब्रैसिका नाइग्रा है, ब्रैसिका नाइग्रा वो राई का नाम है। राई भी तीन तरह की होती है, ब्रैसिका नाइग्रा। अब लिख देते हैं इसको भी, इसमें लिख देते ब्लैंक पेज पे, राई आएगी इसमें। राई के तीन टाइप होते हैं, ब्रैसिका नाइग्रा, ब्लैक राई, दूसरा होता है ब्रैसिका एल्बा, ब्रैसिका एल्बा व्हाइट राई, फिर होगा ब्रैसिका जुन्सिया, ये लोकल राई है। तो ये तीन तरह की राई हो गई। अब हम पढ़ते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में सबसे पहले नाम जो आया वो आता है चांदनी, कैंडी टफ्ट, जो अभी अभी हमने देखा था। तो जो चांदनी है, जो कैंडी टफ्ट है, इसका नाम क्या है? एबेरिस अमारा, एबेरिस अमारा। जो एबेरिस अमारा है, इसको चांदनी कॉमनली बोला जाता है, और कैंडी टफ्ट इसका नाम है, कैंडी टफ्ट। ये चांदनी है, इसका एक क्लोज व्यू है। अब ये जो क्लोज व्यू है, ये कहीं से भी एक्टिनोमॉर्फिक तो नहीं लग रहा, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये एक्सेप्शन होता है। इस फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इसको हम बराबर भागों में तो नहीं बांट सकते, सिर्फ एक ही प्लेन से बराबर भागों में बांट सकते हैं, बाकी इसको हम किसी और प्लेन से बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो ये जो होता है, ये जाइगोमॉर्फिक होता है, ये जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो ये कैंडीटफ्ट का याद रखना था, ये एक्सेप्शन है, और साथ में कलीफ्लावर भी एक्सेप्शन था। ये कोरियम्ब टाइप का शो करता है, जबकि कलीफ्लावर जो होता है वो कंपाउंड कोरियम्ब शो करता है। नेक्स्ट है इसमें वॉल फ्लावर। अब वॉल फ्लावर क्या होता है? तो ये वॉल फ्लावर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वॉल फ्लावर है। अब ये जो वॉल फ्लावर है, इसको देखते हैं, कायरेंथस कैरी इसका नाम होता है। कैरेंथस कैरी, अबे कैरेंथस कैरी जो है, इसको हम वॉल फ्लावर बोलते हैं। तो ये भी इसी में आता है। इसमें भी चार पत्तियां दिखाई दे रही हैं, एक दो तीन चार। और ये भी क्या है? ये भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हुआ करता है। और फिर लास्ट इसमें सेफर्ड पर्स, ये सेफर्ड पर्स है।
शेफर्ड्स पर्स। तो शेफर्ड पर्स का नाम क्या है? कैप्सेला ब्रूसा, कैप्सेला बोरसा, पेस्टोरिस, कैप्सेला बोरसा पेस्टोरिस इसका नाम है और ये सेफर्ड पर्स है। तो इस तरह से हमने ये जो फैमिली कंप्लीट की है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, तो इस फैमिली को अब नेक्स्ट फैमिली आएगी। अभी के लिए थैंक यू।